4 करोड़ के सहकारी बैंक घोटाले के प्रभावितों को महीने भर बाद भी नहीं हुआ भुगतान। पंचायत प्रधान के नेतृत्व में कोऑपरेटिव बैंक नौराधार के मैनेजर से मिले ग्रामीण। राज्य सहकारी बैंक के MD व चेयरमैन ने दिया था 15 सितंबर को मैनेजर द्वारा गबन की गई राशि लौटाने का आश्वासन। खाता धारकों की करोड़ों की रकम न लौटाए जाने के खिलाफ गत 23 अगस्त को नौराधार में किया गया था विरोध प्रदर्शन। बैंक के निदेशक भरत भूषण मोहिल के अनुसार 2-3 दिन में लौटाई जाएगी FDR वाली रकम। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक नौराधार में हुए 4 करोड़ के घोटाले के प्रभावित खाता धारकों को बैंक द्वारा महीना बीत जाने के बावजूद उनकी करोड़ों की रकम न लौटाए जाने से ग्राहकों में एक बार फिर रोष बढ़ता जा रहा है। पंचायत प्रधान राजेंद्र चौहान के नेतृत्व में आज खाता धारकों का एक प्रतिनिधिमंडल बैंक के नए मैनेजर US कवर से मिला और MD द्वारा निर्धारित तिथि पर उन्हें जमा पूंजी न लौटाए जाने के लिए नाराजगी जताई। बैंक अथवा मैनेजर द्वारा हड़पी गई रकम न लौटाए जाने के खिलाफ गत 23 सितंबर को भी खाता धारकों अथवा ग्रामीणों ने नौराधार में विरोध प्रदर्शन कर SDM संगड़ा को मेमोरेंडम सौंपा था। खाता धारकों ने बताया कि प्रदर्शन के बाद बैंक के MD व चेयरमैन ने उनकी जीवन भर की जमा पूंजी लौटाए जाने की तारीख 15 सितंबर निर्धारित की थी, मगर अब शाखा प्रबंधक कह रहे हैं कि इस बारे उच्च अधिकारियों के स्तर पर फैसला होना बाकी है। बैंक के शाखा प्रबंधक के अनुसार विभागीय जांच तथा ऑडिट के बाद रिपोर्ट बैंक मैनेजमेंट को भेजी जा चुकी है और जल्द राशि लौटाए जाने की उम्मीद है। सिरमौर से ही संबंध रखने वाले सहकारी बैंक के निदेशक तथा BOD सदस्य भरत भूषण मोहिल ने कहा कि घोटाले से प्रभावित खाता धारकों की FDR वाली रकम संभवतः 2-3 दिन में लौटाई जाएगी और इस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट द्वारा फैसला लिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जिन खाता धारकों ने घोटाला करने वाले मैनेजर ज्योति प्रकाश को चेक सौंपे थे उन्हें संभवतः इंडिविजुअली अलग से पुलिस अथवा कोर्ट में केस करना होगा। बहरहाल हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा निर्धारित की गई तिथि पर जमा पूंजी न लौटाए जाने से खाता धारकों में रोष है और घोटाले के बाद अब 3 तारीख पर पेमेंट न किए जाने से इस बैंक की क्रेडिबिलिटी अथवा साख लोगों की नजर में गिर चुकी है। कोऑपरेटिव बैंक के अब तक के सबसे बड़े बताए जा रहे इस घोटाले के आरोपी मैनेजर ज्योति प्रकाश को जहां हाईकोर्ट से जमानत न मिलने पर पुलिस ने गत माह गिरफ्तार किया था, वहीं घोटाले के दौरान बैंक में सेवारत 7 कर्मचारियों का सस्पेंशन हो चुका है और अन्य 10 को शो कॉज नोटिस जारी हुए हैं। क्योंकि ऐसा हुआ ना, एक बार विश्वास दूसरी बार किया नहीं, विश्वास मैनेजमेंट के भी विश्वास थोड़ी बड़ा बहुत तो कुछ प्रोसेस चलना चाहिए, चलने वाला तो प्रोसेस मतलब जनता को नहीं है ना पता, अंदर तक है आपको भी प्रोसेस चल रहा है, जनता को कोई पता नहीं प्रोसेस चल रहा है। नहीं नहीं ट्रांसपेरेंट है सर, देखो आपके सामने तीन CA भी आए थे यहाँ पे, हमने CA का पता है 4-5 आदमी आज एक शिष्टमंडल प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा श्री राजेंद्र चौहान की अध्यक्षता में बैंक मैनेजर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक नौराधार से मिला और उनसे कहा कि जो बैंक प्रबंधन की ओर से 15 तारीख की लास्ट डेट दी गई थी, 15 तारीख के बाद लोगों के पैसे खाते में आ जाएंगे, उस संदर्भ में बातचीत थी। लेकिन बैंक मैनेजर का मानना था कि अभी तक उन्हें जो है उच्च अधिकारी से जो है कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए, जैसे ही आदेश मिलेंगे शिमला से तो लोगों की जो है पेमेंट जारी की जाएगी। गोल्ड कड़ा या टेम्पो ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पो ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पो ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।